तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने पार्ट फाइव में जो क्वेश्चन दिया था वो आपने बना लिया होगा। फिर भी चलिए मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दूं। चलिए दोस्तों, उसमें कहा था कि एक मैन ने दो अलमीरा दोनों को आप उसके पास दो अलमीरा था फ्रेंड, उसके पास दो अलमीरा था, उसको दोनों ने दोनों को उसने 4800 रुपये में बेचा, ठीक है, अलग अलग ईच। तो यहाँ से तो सेम है, तो बात समझ में आ गया दोस्तों कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो सेम था। अब क्या बोलता है दोस्त कि दोस्तों कि एक पे उसने जो है क्या करा, एक पे उसका जो है सो फ्रेंड 30% का जो है सो गेन हुआ, ठीक है, और दूसरे पे 30% जैसे ही फ्रेंड प्रॉफिट बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, +30 लिख लेते हैं। और क्या दोस्तों ये कहता है कि इस पे 20% का इसे लॉस हुआ था, तो ओवरऑल मैकेनिज्म में इसे क्या होगा। अगर आप फ्रेंड्स आप अगर उस पे निकालते हैं तो यहाँ से तो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा निकालना। कॉस्ट प्राइस यहाँ से वो वाले फॉर्मूला से निकालिएगा कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस P/100। यहाँ से आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा इसका, फिर यहाँ जो लॉस हुआ है यहाँ से भी आप ये वाला फॉर्मूला अगर सेम लगाते हैं माइनस लॉस बाई 100 वाला लगा के, तो आप यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस 2 फाइंड कर लेंगे। अच्छा फाइंड कर लेंगे तो टोटल टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यही 4800 × 2 कितना हो जाएगा, 9600। और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो भी निकल के आएगा CP1 प्लस CP2। तो आप समझ रहे हैं कि अब ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकला, सेलिंग प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, अब फिर परसेंटेज जाके कैलकुलेट करिए दोस्तों। आप ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से आप जो है इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यह बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसे मैं बताने वाला हूं कि किस प्रोसेस से आप करने वाले हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था कि वो क्या था दोस्तों कि 100 माइनस X1 × 100 प्लस माइनस X2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस X1 प्लस 100 प्लस माइनस X2। दोस्तों ये यहां तक तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 लिखना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पेन लेके ये जो है सो इसका यूज किया है, ठीक है। तो आप इसे जो है सो अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों जी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज की ये जो 4800 जो गिवन डेटा है दोस्तों यहाँ पे ये काम नहीं आने वाला है हम लोग को, हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज आपको ये सामने निकल के आता है दो, है ना। तो 2 × 2 चलिए दोस्तों, तो अब क्या होगा कि एक तो यहाँ पर क्या था 30% क्या था प्लस में था, तो 100 प्लस 30 × क्या था फ्रेंड्स 100 माइनस 20, क्योंकि एक जगह उसने माइनस किया था। तो 100 प्लस 30 कितना होता है 130, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 20 क्या होता है 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, है ना। तो जो भी यहाँ पर दोस्तों आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं वही आपका यहाँ पे प्लस में होता है, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे सेम है बस, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 2 × 130 × 80 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 210, क्या हो जाने वाला है दोस्तों 210, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड क्या 100 माइनस, हाँ तो क्या होगा 2 × 130 × 8/21, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 260 × 8/21। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये इसकी हमारी आंसर हो जाएगी। तो ये कितना के आसपास होगा दोस्तों, 21 है तो ऑलमोस्ट ये दोस्तों अगर 21 होता तो 10 800 है ना,
आई थिंक कि 11, देखा 11 दोनों 22 फ्रेंड्स, ये 12 ठीक है, 13, 13 के आसपास फ्रेंड्स ये कटने वाला है। तो ये समथिंग 99.05 के आसपास ये वैल्यू होगी, और यहाँ से जो आपकी जो वो आएगी फ्रेंड 0.95% इसकी आंसर हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, देख देख सकते हैं कि आपकी इस प्रोसेस को यूज करने में, इस प्रोसेस को अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या परेशानी होने वाली है, और इस प्रोसेस को यूज करने में आप कितना ज्यादा इजीली आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आप इस वाले प्रोसेस को एग्जाम में दोस्तों प्रीफर करेंगे, तो ये हमारी आपको एक सजेशन है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी एग्जाम में जो है सो प्रॉब्लम कम से कम होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अपनी दूसरा जो क्वेश्चन है उसे भी करके आपको जल्दी से दिखा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि ए मैन सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों हमारा, कि ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 850 ऑन RS 50 ऑन वन वन ही गेन RS 850 ईच, वन ऑन वन ही गेन 15% एंड अनदर ही लॉस द 15%। चलिए दोस्तों फिर से क्या था कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स थी, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स थी जिसकी सेलिंग प्राइस आपको फ्रेंड्स दी हुई थी, और दोनों की सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स 850 रुपए है। तो आपको ये चीज देखते ही समझ में, अरे अभी तो हमने अभिषेक सर, एनीबॉडी कैन सॉल्व जो अभिषेक सर पढ़ाते हैं उस पे तो हमने पढ़ा था कि जो है सो कि दोनों की सेलिंग प्राइस जो है सो दोस्तों सेम है, तो इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, और दूसरे पे फ्रेंड क्या दिया हुआ था कि एक पे इसने 15% का प्रॉफिट करा और दूसरे पे इसने फ्रेंड 15% का लॉस करा। तो तब तो और समझें कि ये तो देखो, तो ये तो सेलिंग प्राइस भी सेम है और एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस की भी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है अच्छा, तो सर ने तो बताया था कि इसकी जो ये जो केस है वो ऑलवेज लॉस की केस है, तो इसमें प्रॉफिट होने की दोस्तों कोई सवाल नहीं उठती है। तो ये लॉस क्या हो जाएगा, आप बताएं लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों। सिंपल, कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है ना 15/10 का होल स्क्वायर, दैट्स इट आंसर। एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट 15/10 का होल स्क्वायर मींस 1.5 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2.25%, और ये क्या होगा दोस्तों लॉस होगा, क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर ओवरऑल लॉस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स इज गिवेन हुज सेलिंग प्राइस आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ परसेंटेज लॉस, ठीक है, देन इट विल बी द केस ऑफ ओवरऑल लॉस एंड द वैल्यू ऑफ लॉस विल बी X/10 का होल स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर निकल के यहां से आ जाता है, नहीं तो फिर से आपको वही वाला सेलिंग प्राइस निकाल निकाल के, सेलिंग प्राइस 1 निकालते, सेलिंग प्राइस 2 निकालते, फिर से जोड़ते एंड ऑल डू करते हैं, फिर जाके आपका आंसर आता। तो उससे बनिए हम लोग इस वाले को प्रिफर करने वाले हैं दोस्तों। तो आई थिंक कि अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, तो दोस्तों अगर आप इसे समझ गए हैं तो आप इसे दोस्तों के मंग जरूर से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को देखते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।